तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। और जैसा कि आप थंबनेल देख कर ही आए हो, और थंबनेल भी बड़ा अजीब है क्योंकि थंबनेल कैसे बनाए ये जानना है आज आप लोगों को। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में बैठे बैठे जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं, जो लोग यूट्यूबर हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उनको ये हर हालत में पता है कि थंबनेल कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूज़ भी उसी से रिलेट करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी, हमारे लाइक्स भी और हमारे कमेंट्स भी सब उससे ही आने हैं। तो थंबनेल अगर बात की जाए, जब थंबनेल अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से आज मैं बताऊंगा कि आप HD में अपना थंबनेल अट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हैं। अट्रैक्टिव थंबनेल होगा तभी आप कुछ बना पाएंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन क्या है और किस तरह वो काम करती है, आज इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दो, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल से जो भी चीज़ें होती है मैं आप तक लेके आता रहता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं कुछ नहीं करता हूं लेकिन मौज मस्ती जरूर वहां पर भी करता हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले मैं पिकार्ट में चले जाता हूँ, आपको जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उससे पहले आपसे बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा पिकार्ट में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो इमेज है वो PNG लेनी होती है। तो PNG कैसे बनाते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है और ये मेरी एक फ़ोटो आ जाएगी, ये इस तरह की एक फ़ोटो आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ऐड जो आ रहा है इसको हटा देता हूँ, स्किप ट्रायल के लिए कर देता हूँ और यहाँ पर सीधा आ जाते हैं हम लोग अपने कुछ एडिटिंग मोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए कटआउट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। कटआउट के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन बना हुआ आ रहा है एडमिन टाइप का, तो एडमिन टाइप के जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपकी PNG ले लेगा, यानी कि आपका जितना भी फेस वेस है, बॉडी है, वो पूरा पूरा आपका ले लेगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड जो भी है सारा कर देगा ये PNG पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बच जाता है, तो जब थोड़ा सा यहाँ पे बचता है तो आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उस अनुसार ये यहाँ पर फिल कर देता हूँ। चलिए तो मेरा काम हो गया, इतना मुझे यहाँ पर फिल करना था, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद देखिए पूरा का पूरा मेरा उतना ही उतना फेस आ जाएगा। ये देखिए तो ये आ चुका है, इसको करते हैं हम यहाँ से सेव सबसे पहले PNG को। तो ये आ गया मैं सेव में, ऐड जो है वो ख़त्म कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये PNG इस वक्त मेरी सेव हो गई है। अच्छा दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपल से बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर करना है एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है पिक्सल लैब। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर बार की तरह लिंक डाल दी है, अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता, वैसे ही अवेलेबल डायरेक्ट प्ले स्टोर पर है, इजी मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलता तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है। इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस खुल के आता है, यहाँ पे न्यू टैग्स और ये आपका पूरा यहाँ पे बॉडी जो है स्किन एडिटिंग मोड है यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज़, अब यहाँ पे हम इमेज साइज़ को क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कस्टम यहाँ लिखा हुआ है, कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर की भी यहाँ पे आप इमेज का साइज़ ले सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर है स्क्वायर में, उसकी भी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल बैनर है, चैनल थंबनेल है, फेसबुक कवर आर्ट है, गूगल प्लस कवर है, ट्विटर हेडर साइज़ है, जो भी आपको साइज़ यहाँ पर लेना है यहाँ पर आप ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल लेना है तो मैं यहाँ पर सीधे से क्लिक कर देता हूँ, और यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ होता है वो उसका 1280 और 720 में होता है, यानी कि 1280x720 में होता है आपका YouTube का साइज़। तो वो भी ओके कर देता हूँ ऑटोमेटिकली, देखिए यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल से मैं यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मेरे को कलर का, तो जैसे कि मैं नॉर्मल कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, यही मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ, तो ब्लैक एंड वाइट ओके कर दिया। और यहाँ से मैं अपनी वो PNG ले लेता हूँ जो मैंने पिकार्ट से पहले उठाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये मेरी PNG है, ये मैंने यहाँ पर सेव करा और ये लग गई मेरी यहाँ पर उठा के PNG। अब देखिए यहाँ पर PNG लग गई। PNG लगने के बाद यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ, ए पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा टैक्स आपका। तो टैक्स पे जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरे, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करता हूँ, मेरे जैसा बनाएं, मेरे जैसा थंबनेल बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे थंबनेल, ठीक है दोस्तों, तो थंबनेल, हाँ मेरे जैसा थंबनेल बनाएं,
तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी जैसे मेरे जैसा थंबनेल बनाए को क्या करना है मेरे को, थोड़ा सा इसको और अच्छे से करने के लिए मेरे को यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। और ये देखिए यहाँ पे साइज़ है, कलर है, कलर में जो भी है यहाँ पे मैं ब्लैक तो देखिए वो दब गया। आप और भी कलर हैं, ये देखिए जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, ये कलर है थोड़ा चल जाएगा, जो लग रहा है येल्लो है येल्लो भी चल सकता है येल्लो, तो मैं चलिए येल्लो को ही ले लेता हूँ फिलहाल। तो येल्लो पर लेने के बाद बी स्टाइल पर क्लिक करूँगा तो उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा, जैसे कि मैं बोल्ड करना होता है मुझे। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपको टेक्स्ट हमेशा लाइट ही रखना है, इस बात का ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोक है, थोड़ा सा स्ट्रोक भी मैं डाल सकता हूँ। तो स्ट्रोक में मैं ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक ब्लैक है तो ब्लैक स्ट्रोक है, तो मैं यहाँ पर वाइट से भी, ये देखिए वाइट से ही दब जाएगा। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, कोई ऐसा कलर लूँगा जिससे ये स्ट्रोक थोड़ा सा मेरा अच्छा लगने लगे और अट्रैक्टिव सा थोड़ा लगने लगे। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मेरे को ये ब्लैक आ रहा है यहाँ पर और ब्लैक है तो रेड, अगर चलिए रेड आ रहा है तो यहाँ देखिए रेड से मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये इतना अगर मैं कर दिया, चलिए इतना अच्छा लग रहा है। बाकी का इसका साइज़ जो है, यहाँ देखिए साइज़ आ रहा है, ये साइज़ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये अभी देखिए साइज़ आ गया। तो यहाँ देखिए क्या है, मेरे जैसा थंबनेल बना, मेरे जैसा थंबनेल बनाए। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट और ले लूँगा मैं, जिसमें मैं लिखूँगा मात्र। तो यहाँ मात्र आ गया, मात्र 5 मिनट, मात्र 5 मिनट में तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा इंग्लिश डाल देंगे 5 मिनट्स, और यहाँ हिंदी में 5 मिनट्स में, तो ये आ गया। चलिए अब इसका भी थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, अगर आपको कलर वाइज जो भी अच्छा लगता है। तो मैं देखिए जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी है। तो ये आ जाएगा बी स्टाइल सेम वैसे ही, और मैं यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर कुछ भी यहाँ पर 3D भी इफेक्ट दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका नहीं दे रहा हूँ अभी। तो ये मात्र 5 मिनट में आ गया, और इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं उसी तरह। तो देखिए मात्र 5 मिनट में, तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा फ्रॉम गैलरी, गैलरी में जाने के बाद मेरे पास यूट्यूब का एक PNG फाइल है। तो यूट्यूब का PNG फाइल आपको नॉर्मली गूगल से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये देखिए यूट्यूब पर क्लिक कर दूँगा मैं और इसको यहाँ से क्रॉप कर लूँगा, तो ये मेरी PNG भी यहाँ पर आ गई। तो अभी क्या है, यूट्यूब भी लग गया। तो अभी देखिए मेरे जैसा HD थंबनेल बनाए मात्र 5 मिनट में, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है, बट मुझे यहाँ पे HD वाला भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा बोलते हुए। तो जब HD ज़्यादा अच्छा लगने लगा तो मैं यहाँ पे HD भी लिख दूँगा, HD, ठीक है। तो बात वही है, मेरे जैसा HD थंबनेल बनाए मात्र 5 मिनट में यूट्यूब, ठीक है, ऐसे बन गया। तो ये यूट्यूब के लिए समझ जाएगा जो भी इसको देखना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये आपका पूरा साइज़ आ जाएगा। जो जो साइज़ आपकी PNG चाहते हैं आप PNG, और जो भी आपका क्वालिटी वाल्टी सब आप देख लेना, यहाँ पे सेव टू गैलरी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा थंबनेल है वो टोटली सेव हो चुका है। तो दोस्तों सेव हो चुका है, तो थंबनेल आपको कैसा लग रहा है हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और कोई और शिकायत है, कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। दोस्तों वीडियो कैसे लगी आज हमें ये बताइएगा, बस आज के लिए इतने दोस्तों, बाय।